वहाँ का अभी जो हमला हुआ उसके बाद मोदी जी को फायदा मिलेगा क्या? मिलना तो चाहिए, पूरा पूरा मिलना चाहिए। आपको 2019 में वापस मोदी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए? वो तो 14 में तय हो गया था कि 24 की तैयारी वो करेंगे, 19 तो पहले। क्या कहना चाहेंगे 2019 मोदी के लिए तय है? तय है दादा, आप क्या कहना चाहते हैं? यही हो क्या सबकी ऐसा हमारी है, कैसी बात कर रहे हैं? अभी मंदिर की बिल्कुल बात नहीं हो रही, इसके बावजूद भी तय है? बिल्कुल तय है। हाँ, मंदिर बने चाहे ना बने, मोदी 19 में पक्के पक्के। पुलवामा जो अभी कांड हुआ है उसके बाद क्या आप मानते हैं कि मोदी जी को फायदा मिलेगा? गलत हुआ, हम मोदी संग हैं, मोदी जी को फायदा मिलेगा? जी हाँ, फायदा ऐसा नहीं, नहीं है, बिल्कुल मिलेगा, फायदा मिलेगा ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा मिलेगा। इसमें उसने जो सकारात्मक कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया, 2019 पक्का 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 नहीं, बस प्रधानमंत्री अपना एक ही बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी ने किया क्या है यार, कुछ भी नहीं किया उनने, क्या किया, कुछ नहीं कर पाएंगे उनमें, इतना वही नहीं। अच्छा, इसके अलावा मायावती हैं, अखिलेश यादव, ये सब ने पड़ गए, क्षेत्रीय पार्टी ही निपट जाएगी इस बार, कोई नहीं पूछेगा। तो गठबंधन है और लोग टीवी के सामने भी दिखा रहे हैं, लोग बात समझ रहे हैं ना इस चीज को, इनने क्या किया है, मोदी ने देश के लिए और सभी के लिए बहुत कुछ किया। इस बार किसको प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं आप? तो मोदी को बनवाएंगे सब। भैया आप किसको बनवा रहे हैं? मोदी जी, मोदी जी। क्यों भैया, मोदी में क्या खास है? मोदी जी अच्छे इंसान है, हर काम अच्छा कर रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? हमारा कमलेश कुमार। कमलेश जी किसको बना रहे हैं प्रधान? मोदी जी को बनाएंगे, मोदी जी को ही बनाएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? दूसरा कोई ऑप्शन। सुशील भाई आमलेट बनाते हैं जी? अच्छा सुशील भाई, ये बताइए इस बार आमलेट अच्छा बनाते हैं, प्रधानमंत्री किसको अच्छा समझते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है बस, ऑप्शन बने बस। अरुण जी, इस बार गठबंधन हुआ है और सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि किसको फायदा होगा? इस ऐसे में ये लगता है कि पब्लिक हर कोई जानता है कि जो है इन्होंने गठबंधन क्यों किया, इसके पहले इन्होंने अलग अलग चुनाव लिया लड़ा है, तो लड़ाने के बाद में हम लोगों को इतना अलग कर दिया है कि अब वो फैसला इतना अलग हो गया कि हम लोग साथ में नहीं रह सकते हम वोटर, इसलिए कि हम लोगों ने विकल्प चुना है कि अब इस बार मोदी को ही बनाएंगे। अच्छा भैया, आप युवा हमारे साथ में हैं, क्या नाम है आपका? नहीं, हमारा हम नहीं, नाम नहीं पता, नाम क्या है आपका? अन्नू नाम है मेरा। अच्छा, अन्नू नाम है। आप वोटर हो? हाँ वोटर हैं। वोटर डालते हो जी, तो आपको बोलना अभी तो चाहिए। अच्छा बताइए, देश का प्रधानमंत्री कैसा चाहते हैं? हम तो एक ही चाहते हैं भैया, दोबारा मोदी आएगा बस। अच्छा ये बताइए, इस बार प्रधानमंत्री कैसा चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी। भैया जी, आप फल खरीद रहे हैं, फल देख रहे हैं, छाट रहे हैं, इस बार प्रधानमंत्री कैसा बनाएंगे आप? हमें वोट ही नहीं देना। अच्छा, आप वोट ही नहीं देंगे, क्यों नाराज हैं? चार चोरों में एक चोर चुनने से फायदा क्या? अच्छा, मतलब सारे चोर हैं? एग्जैक्टली। तो शरीफ कौन है? हैं? शरीफ कोई, शरीफ को हम ही आप वोट नहीं देंगे, शरीफ को हम ही आप वोट नहीं देंगे। राहुल गांधी पसंद है आपको? हाँ, मैं ना राहुल गांधी पसंद है ना मोदी पसंद है। तो फिर कौन क्या पसंद है? वही कह रहा हूँ ना मैं, तो अपने मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे? मौलिक अधिकार का उपयोग करके करेंगे क्या, हम वोट दे के आएंगे, काम सारे एक ही करते हैं। इस बार आप, इसका मतलब इस बार आप वोट नहीं डालोगे? हमने तो कई सालों से वोट नहीं डाला। मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री कैसे चाहेंगे? मोदी ऐसा ही चाहेंगे हम तो। क्यों, मोदी में क्या खासियत है? बहुत खासियत है। खासियत क्या, नहीं खासियत है बताओ आप। चलिए भैया, खासियत आप बताइए, क्या नाम भैया आपका? जावेद। जावेद भाई, इस बार प्रधानमंत्री कैसा बनाएंगे? प्रधानमंत्री ऐसा हो जो देश हित में कार्य करे। अभी तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि नहीं? अभी तो सब ऐसा ही चल रहा है। आपके हिसाब से कौन? अभी देश को गुमराह किया जा रहा है, आर्थिक मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है देश का, जो आर्थिक मुद्दे हैं जैसे हमारे जैसे कई युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं सालों से। आपके हिसाब से अभी कौन है ऐसा जो प्रधानमंत्री बनने लायक? मेरे हिसाब से तो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो निश्चित रूप से इस देश की स्थिति सुधरेगी। मायावती को प्रधानमंत्री, लेकिन वो तो खुद उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ तो मिलजुल के ही सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि पूर्ण बहुमत में आए। क्या नाम है भैया? नेवी चंद्र। अच्छा विचंद जी, इस बार प्रधानमंत्री कैसा चाह रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी को ही चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को ही? क्या खास बात है भैया मोदी जी में? हर कोई मोदी जी में जो फैसले लेने की क्षमता है वो हर किसी में नहीं है। अच्छा जी, इस बार प्रधानमंत्री कैसा चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी। हाँ भैया, नरेंद्र मोदी। समी समी भाई, हाँ इस बार प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए?
आपकी जैसा होना चाहिए। अरे भैया हम कहाँ, हम तो पूछ रहे हैं, आप बताओ। प्रधान, नरेंद्र मोदी भैया, प्रधानमंत्री तो ऐसा होना चाहिए जो मतलब सरकार सही से चलाए। अभी सही से नहीं चल रही। अब क्या चल रही, हम पे नहीं है तुम पे हेंगे। आप बताइए सर। नरेंद्र मोदी, मनोज कुमार सोनी। मनोज कुमार जी, क्या मोदी में क्या खास? मोदी में खास ये है, जो कहता है वो करता है और उन्होंने किया है। मतलब ये कहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, यही? जी 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 जी। मतलब जो सर्जिकल स्ट्राइक टूट किया, इससे खुश है? उन्होंने मंदिर की बात कही थी, 370 कही थी, वो अभी पूरा नहीं। तो ये वो प्रोसेस में है, कोई उनके घर की बात तो है नहीं। राम मंदिर के लिए अध्यादेश ला सकते थे, क्यों नहीं लाए? अब इसका तो आप वही बता सकते हैं क्यों नहीं लाए फिलहाल में, लेकिन ये है कि जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी योजनाएं ला रहे हैं, संतुष्ट है आदमी यहाँ पे। कुमार रायकवार। रायकवार जी, इस बार प्रधानमंत्री कैसा चाहता है? मोदी ऐसा। अच्छा, क्षेत्रीय सांसद की बात की जाए तो किस पार्टी को पसंद करेंगे? भाजपा। जी, चुनाव आने वाले हैं, इस बार कैसा प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे? हम ऐसे ही चुनना चाहते हैं भाई, जैसा अपना चल रहा है, प्रधानमंत्री बढ़िया काम कर दिया है तो मोदी से संतुष्ट हैं जी। हाँ। अच्छा, और भैया आप कैसा प्रधानमंत्री चाहेंगे? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उस प्रधानमंत्री से, बढ़िया है। बूढ़े हो गए, थोड़ा नया नहीं चाहिए? और नया और बूढ़ा बल दिमाग तो एक ही चलता है, नया का जो ज़्यादा तेज थोड़ी ज़्यादा जितना बूढ़ा को चलता है। बहन जी, क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया जी, चुनाव आ रहे हैं, इस बार कैसा प्रधानमंत्री चाहेंगे आप? हम अच्छा ही चाहेंगे। अच्छा, कैसा? अब जैसे मोदी जी हैं वही होने चाहिए फिर से। मोदी जी होने चाहिए। हाँ। आप माता जी किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी को। मोदी जी को ही बनाएंगे। मोदी जी में क्या खास है? इतना बड़ा तो हंगामा करवाया उन्होंने, बदला ले लिया, अच्छा इतना अच्छा काम कराया, अगले ने कर्जा तक उतारता कांग्रेसियों का, और क्या अच्छा काम लोगे प्रधानमंत्री? मोदी को बनवाएंगे। भैया मोदी को क्यों बनवा रहे हो? मोदी जैसा काम किसी ने किया ही नहीं, बताओ कितना बढ़िया अच्छा काम किया अभी तक, इतनी सरकारें आई। मतलब पाकिस्तान पे हमला कर दिया तो अच्छा काम नहीं, इसलिए नहीं, और भी कई काम किए। हाँ, ये भी काम अच्छा ही है, नहीं है बताओ? इस बार कैसा प्रधानमंत्री बना रहे हैं? बस अपना मोदी, इसके अलावा कोई नहीं प्रधानमंत्री, मोदी तो मोदी। और युवा चेहरे हैं, राहुल गांधी है? नहीं, राहुल गांधी अभी इसलाक है ही नहीं है, अभी वो बच्चे हैं, उनको अभी पप्पू बोलते हैं लोग। बात हमें तो मोदी अच्छा लगता है बस। बस और कोई? राहुल तो बेकार है। आप बताइए। बस जय गई, मोदी को वोट देंगे? रविंद कुशवाहा जी, चुनाव नजदीक है, वोट डालने आते हो आप? बिल्कुल जाते हैं। जाते हो, इस बार कैसा प्रधानमंत्री चाह रहे हो? मोदी जैसा। मोदी जैसा? हाँ जी। अच्छा, और इसके बाद राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव है, मायावती है, वो भी तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं? मैं तो बस मोदी चाहिए बस। मोदी क्यों चाहिए? अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। क्या एक काम अच्छा बताओ उनका? अभी आपने देखा होगा पाकिस्तानी खिलाफ जो अच्छा, हुआ पाकिस्तान पे हमला कर दिया, इसलिए उनसे खुश? हमला कहाँ हुआ, वो तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बिल्कुल खुश है। बताओ तुम्हारे हिसाब से प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए प्रधानमंत्री। कैसा कौन होना चाहिए? कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? हाँ। अच्छा, इस बार कैसा प्रधानमंत्री बना रहे हो? ये तो जनता तय करेगी, हम थोड़ा तय करेंगे। तो वोटर तो आप भी है? वोटर हम भी हैं। एक वोट से ही तो सरकार बनती है, तो आप कैसा? ऐसा प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो पूरे राष्ट्र को लेकर चल सके। तो अभी लेकर नहीं चल रहे हैं? अभी नहीं चल रहे मोदी। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन सही चेहरा है प्रधानमंत्री के लिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी, अच्छा। और मायावती और अखिलेश यादव? अब ये तो ये है कि मोदी जी के खिलाफ अगर संयुक्त विपक्ष के रूप में, संख्या गलत के रूप में अगर जो भी आएगा वो उस राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, मतलब मोदी जी जो बढ़ा पा रहे हैं, इसके अलावा कोई भी आएगा वो बढ़ाएगा? निश्चित रूप से बढ़ाएगा, क्योंकि मोदी जी आरएसएस के एजेंडे को चला रहे हैं। मोदी क्यों? आपको मोदी में क्या खास है? देश तरक्की में जा रहा है जी। ये बताइए, आगामी चुनाव में आप कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी सर। नरेंद्र मोदी जी ने क्या ऐसा किया जिसने आपको प्रभावित किया? देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधार किया। चुनाव में आप कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? बस सिर्फ मोदी। मोदी ही क्यों? क्योंकि मोदी देश की ही रक्षा कर सकते हैं, और मुझे कोई भी ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा है कि रक्षा कर सके। अभी जो कार्रवाई की गई है पाकिस्तान पे, मतलब आप उससे प्रभावित हैं? बिल्कुल। चुनाव में आप कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? हम मोदी जैसा। मोदी में ऐसा क्या आपको खास दिखता है जिस वजह से आप प्रधानमंत्री के लायक समझते हैं? मोदी जी जो है, जो
विदेश देश में सभी जगह वो अपने देश के शेर कहलाते हैं, उनके अंदर सभी क्षमताएं हैं। नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो रोजगार का वायदा किया गया था, क्या लगता है रोजगार मिला? हाँ, रोजगार तो नहीं मिला लेकिन गरीबों को घर रहने के लिए सब कुछ मिला है, शौचालय चल वगैरह। मेरा नाम शालिनी है जी। आगामी चुनाव में आप कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि देश की जरूरत है, देश की युवा की जरूरत है? हम अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या नाम है आपका? रुद्र प्रताप सिंह। आगामी चुनाव में आप कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? आगामी चुनाव में हम कैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि मोदी ही प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी ही क्यों? नरेंद्र मोदी ही क्यों, इसलिए क्योंकि अगर देश को कुछ अगर करना है और सही राय पे चलना है तो वो हमारे मोदी जी हैं जो लेके जाएंगे वहाँ तक। अन्य पार्टियों ने जो गठबंधन किया है जिसको नरेंद्र मोदी जी महामिलावट का नाम देते हैं, क्या लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? अन्य पार्टियाँ केवल कुछ नहीं लालच देती हैं, उसके बाद जब उनका काम खत्म हो जाता है, नेता बन जाते हैं तो भूल जाते हैं। प्रतीक कुमार। आगामी चुनाव में आप कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही क्यों? नरेंद्र मोदी ही क्यों, अरविंद काम अच्छा कर रहा है। और क्या है, गैस बनवाई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों बने, उन्होंने ऐसा क्या जनता के लिए किया जो आपको अच्छा लगा? जनता के लिए क्या, सभी के लिए किया है, सुविधाएं ली और क्या है। गाय के लिए पॉलिथीन जैसे बंद की है, ये सुविधा अच्छी की है। गायों के लिए प्रदूषण कम हुआ है, गैसें बांटी हैं, लैट्रिने घर घर बनी हैं, और क्या सुविधा है। आपने गाय की बात की, गाय से किसान तो बहुत परेशान है। किसान परेशान है, वो अपनी जगह है। अन्ना प्रथा।